Hey everyone, assalamu alaikum. Welcome back again my channel Shukrala for everything. How are you friends? I hope you're doing good. तो आज मैंने आप लोगों के लिए लेकर आई है चिकन बिरयानी की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट तरीके से बनती है। बिल्कुल भी आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, तो आपकी बिरयानी 100% बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो बिना टाइम को वेस्ट करें हम यहाँ पर बिरयानी की रेसिपी देखते हैं। और क्या हुआ था, मैंने सुबह इसे 11 बजे मैरिनेट किया था। आप जितनी देर तक इसे मैरिनेट करेंगे ना, उतनी आपकी बिरयानी टेस्टी बनेगी। और कम से कम आपको 6 से 7 घंटा इसे मैरिनेट होने के लिए रख देना है, तभी आपका चिकन जो है अच्छे से मसाले के अंदर एब्जॉर्व हो जाएगा और टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 11 बजे मैरिनेट किया था और सभी मसाले मैंने मेंशन की हूँ। और पहले मैंने शूट करने का नहीं ठाना था, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि ये रेसिपी आप लोगों से शेयर करना लाजमी बनती है। अलग अलग तरीके से मैं बिरयानी बनाती रहती हूँ, तो मैंने सोचा ये भी तरीका आप लोगों से शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 किलो चिकन लिया है मैंने, 2 किलो बिरयानी बनाई थी और रमज़ान में मुझे घरों में तकसीम करना था इसलिए। उसके बाद बड़े बड़े 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन ऐड करेंगे। और ये सभी ड्राई स्पाइसेज है, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, होममेड गरम मसाला पाउडर, बिरयानी मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर और यहाँ पर एवरेस्ट का मटन मसाला पाउडर। उसके बाद पुदीना 1 मुट्ठी ऐड करेंगे कट करके, 1 मुट्ठी धनिया ऐड करेंगे कट करके। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 बड़ी कटोरी दही बीट करके लिया हुआ। दही हम लोग को बिल्कुल थिक नहीं लेना है, इस तरह से आप फ्लफी सा देख सकते हैं इसका टेक्सचर। उसके बाद 1 बड़े साइज़ का नींबू ऐड करना है। और दही आपको कंजूसी नहीं करनी है, 1 बड़ी कटोरी ऐड करनी है, जिससे कि आपका जितना दही अच्छा ज़्यादा क्वान्टिटी में होगा ना, तभी आपका फ्लेवर जो है ना बिरयानी का बहुत ज़्यादा टेस्टी आएगा। तो यहाँ पर इन सभी को जो है ना अच्छे से चिकन के अंदर मिक्स करके लेंगे हाथों के ज़रिए। और यहाँ पर ये देखिए, ये सभी अगर मसाले मैंने यहाँ पर मेंशन करके दी हूँ, अगर एक भी मुझसे बोलने में रह गया होगा तो आप मेंशन में दिया हुआ चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया अच्छे से मैरिनेट। अब इसे ढककर रख देंगे हम साइड में और शाम में इसे कुक करने के लिए ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बिरिस्ता ली हूँ मैंने करने के लिए। तो 2 किलो बिरयानी के लिए हमें ऑलमोस्ट 1.5 किलो कांदा लेना है। तो 2 किलो मैंने यहाँ पर प्याज बिल्कुल फाइन लॉन्ग साइज़ में कट करके ली थी। उसके बाद उसे फ्राई किया था अच्छे से गोल्डन होने तक। और एक यहाँ पर मैंने 1.5 किलो टोमेटो लिए थे, 1 किलो बिरयानी के लिए 1 किलो टोमेटो, 2 किलो के लिए 2 किलो। उसके बाद यहाँ पर बिरिस्ता हमारा रेडी हो चुका है। वही बिरिस्ते का ऑयल हमें ऐड करना है बड़े से पतीले में। उसके अंदर ऐड करेंगे शाहजीरा अच्छे से तड़काएँगे और साथ ही ऐड करेंगे हरी मिर्च। तो हरी मिर्च मैंने यहाँ पर रफली तोड़ कर ली है, अच्छे से इसे फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं, अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, बहुत ज़्यादा इजी तरीका है, आपको समझ आ जाएगा जब आप बनाएंगे तो। उसके बाद टमाटर ऐड करेंगे, टमाटर को भी अच्छे से बारीक कट करना है, बिल्कुल पतली पतली स्लाइसेस में, मोटी स्लाइस बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना आपका टमाटर अच्छे से गल नहीं पाता है जल्दी। और अगर बिरयानी में ऐसे मोटा मोटा खड़ा टमाटर दिख जाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा भद्दी लगती है बिरयानी का जो है टेक्स्चर। उसके बाद ये देखिए, मैरिनेट किया हुआ चिकन हम लोग इसी टमाटर के अंदर ऐड करेंगे। टमाटर को अच्छे से मैंने गला ली हूँ, आप ये सोचेंगे कि कहीं कच्चा तो नहीं रह गया। उसके बाद बिरिस्ता ऐड करेंगे, धनिया पुदीना और एक दफ़ा ऐड करेंगे 1-1 मुट्ठी। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बढ़िया तरीके से जो है ना मिक्स करके ले लेंगे। तो और इसके बाद जो है ना इसे ढककर हम कुक करेंगे। लगभग ये कुक होने के लिए 15 मिनट तो लेता ही है। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्लेन राइस बनाई थी, जो मैंने सोचा इम्पोर्टेंट नहीं है आपको बताना, बस आप प्लेन राइस बना लेंगे तो हो जाएगा, खड़ा मसाला डालकर और नमक। उसके बाद ये देखिए, हमारी यखनी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है, टेस्टी टेस्टी। तो सबसे पहले एक लेयर लगा देंगे हम राइस की 1 बड़े से पतीले में। तो यहाँ पर खिले खिले से राइस यहाँ पर मेरे कुक हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने एक लेयर लगा लेनी है। ज़्यादा थिक लगाएंगे तो भी परवाह नहीं, क्योंकि हमें इसे देख लीजिएगा आप आगे के स्टेप में क्या करना है। उसके बाद अखनी की 1 लेयर इसके ऊपर बिछा देनी है। इसमें अगर आपके पीसेस कम होंगे ना तो भी चलेगा, बस आपको लिक्विड इसके अंदर ज़्यादा डालना है। मतलब आपकी ग्रेवी में जो लिक्विड फॉर्म में टेक्स्चर हुआ है ना रेडी, ऑयल और पानी का जो टेक्स्चर, वो सभी जो है ना यहाँ पर इस स्टेज पर हमें ऐड करना है। वो किस लिए मैं बताती हूँ, आप देखिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने कुछ पीसेस भी ऐड किए हैं, देन उसके साथ यहाँ पर मैंने लिक्विड भी ऐड किया है, ये देखिए ग्रेवी। तो यहाँ पर इतना हमने ऐड करना है, देन उसके बाद एक स्पैचुला से इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्सअप कर लेना है, ये देखिए। अब आप पूछेंगे ये क्या है,
आप इसे इस तरह से जब मिक्स करेंगे ना, तो ये सभी जो है ना लिक्विड फॉर्म इस राइस के अंदर एब्जॉर्व हो जाएंगा और इसका खाने का जो है ना टेक्स्चर बहुत ज़्यादा यम आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। क्योंकि जो बेस होता है ना बिरयानी का, वो बहुत ज़्यादा खाने में लजीज होना चाहिए, तभी जाकर जो है ना बिरयानी दूसरे दिन तक भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, ये अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, जिससे कि हमारा सारा लिक्विड जो है ना इस राइस के अंदर एब्जॉर्व हो जाए और ये राइस जो है ना अच्छे से मसालेदार टेस्ट में आ जाए। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये देखिए, हमारी ये भी स्टेप हो गई है डन। अब देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और लेयर लगा देंगे प्लेन राइस की इसके ऊपर ही। ये देखिए, इस तरह से एक और लेयर हमें लगानी है। ये 2 किलो की बिरयानी है, इसलिए मैंने यहाँ पर डबल लेयर का यूज़ किया है। अदरवाइज़ 1 किलो की होंगी ना, तो मैं एक ही लेयर बना लेती हूँ। इससे पहले भी मैंने 2 से 3 वीडियोज़ अपलोड किए हैं बिरयानी के, अगर आपने नहीं देखे तो आप विज़िट करिएगा, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहली वीडियो थी ना मेरी, मतलब मैंने जब चैनल न्यू स्टार्ट किया था ना, तभी बिरयानी मैंने अपलोड की थी। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह 1500 के करीब व्यूज़ आए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चली थी वो बिरयानी की रेसिपी। तो आप वो भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा यम बनती है वो तरीके से भी। तो ये देखिए, एक लेयर जब हमने राइस की लगा दी ना, उसके बाद और एक लेयर हम अखनी की लगा देंगे। अब यहाँ पर हमारा लिक्विड तो ज़्यादा नहीं बचा है, बस यहाँ पर पीसेस थे भरपूर, तो यहाँ पर पूरी जो है ना अखनी हमारी बची हुई पूरी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, पूरी लेयर पर हम बिछा देंगे बढ़िया तरीके से। तो बस हमें इसी तरह से घुमाते हुए सभी तरफ चारों ओर हमें अखनी की लेयर लगा देनी है। ये टाइप की बिरयानी है ना, 2 से 3 दिन भी अगर आप इसे गर्म करके खाएंगे ना फ्रिज में रख कर, तो बहुत ज़्यादा अच्छी टिकती भी है और खाने में बहुत ज़्यादा यम लगती है। जैसे जैसे ये बासी होती है ना 1-2 दिन की, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि इसके अंदर सभी मसाले एब्जॉर्व हो जाते हैं ना, तो उसकी वजह से इसका टेस्ट भी इन्हांस होते जाता है। तो ये देखिए, इसमें हमने टमाटर अच्छे से गला लेने हैं, सभी मसाले का फ्लेवर अच्छे से भून लेना है, बिरिस्ता अच्छे से कुक करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए अगर बिरयानी बनाएंगे ना, तो परफेक्ट, एब्सोल्युटली आपकी बिरयानी परफेक्ट बननी ही बननी है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। तो ये देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से सेट कर लेंगे मसाले को। देन उसके बाद बचे हुए राइस जो है ना हमारे, सभी इसके ऊपर एक और लेयर राइस की हम लगा देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर पूरी अखनी हमने इसके ऊपर लगा दी। अखनी देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है ना, इसे आप नान के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यम लगती है सीरियसली फ्रेंड्स। ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरे राइस कितने खिले खिले और कितने क्यूट बनकर रेडी हो चुके हैं। पानी का मेजरमेंट आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, जब भी आप राइस बनाते हैं ना, तो पानी का मेजरमेंट आपको ध्यान रखना है। और जब भी राइस बनाएंगे 2 घंटे तक आपको इसे सोक्ड होने के लिए रखना है। उसके बाद ये देखिए, मेन पार्ट ऑफ बिरयानी, ये दानेदार घी जो है ना होममेड है मेरा, तो ये घी बड़े बड़े चम्मच भर के जो है ना आपको चारों ओर फैला देना है। और आप सोच रहे होंगे ये इतना थिक क्यों आप ऐड कर रही हो, लेकिन थिक भी आप ऐड करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ये एब्जॉर्व हो जाता है नीचे तक, राइस में अच्छे से मेल्ट हो जाता है और सभी जो है ना मसाले के अंदर ये घी का फ्लेवर एब्जॉर्व होने की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्ट इन्हांस होती है। उसके बाद फूड कलर जो भी आपको पसंद है या आपके पास अवेलेबल है, आप ऐड कर दीजिएगा। मुझे तो ये सभी कलर बिरयानी में बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, कलरफुल बिरयानी, वाओ आई लाइक इट। उसके बाद हम ऐड करेंगे बारीक कटे हुए पुदीना के पत्ते। देन उसके बाद हम ऐड करेंगे बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। देन लास्ट में ऐड करेंगे यहाँ पर बिरिस्ता, जो मैंने जब भी फ्राई किया था ना, उसी में से एक छोटा सा बाउल निकाल कर रखा था साइड में गार्निशिंग करने के लिए, तो वो बिरिस्ता इसके ऊपर ऐड करेंगे। देन सेट। अब इसे हम ढक कर जो है ना दम के ऊपर रख देंगे कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, इससे ज़्यादा और इससे कम बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, अदरवाइज़ आपकी बिरयानी ख़राब हो जाएंगी। यानी कम अगर आप टाइम लेंगे तो अच्छे से एब्जॉर्व नहीं हो जाएगा आपका घी और सभी मसाले जो ऊपर से हमने ऐड किए हैं, और अगर ज़्यादा टाइम रखेंगे तो बैड स्मेल आने का स्टार्ट जो है चांसेस हो जाते हैं। इसलिए हम 15 से 20 मिनट इसे कुक करेंगे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पे, और नीचे आपको तवा रखना है, उसके ऊपर पतीला रखना है और हवा हमारी अंदर से लीक ना हो इसलिए पत्थर रखेंगे।
और 15 से 20 मिनट होने के बाद ये देखिए हमारी बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हो चुकी है। और मैंने 5 घरों में तकसीम की थी मेहमानों में, तो सभी के कॉल्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आए थे और सभी ने कहा बहुत ज़्यादा यम बनी है। बस एक मेहमान का अभी तक कॉल नहीं आया है, बाकी सब ने तो कॉल किया था और सभी को इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि वो मुझसे कह रहे थे आप ज़रूर इसकी रेसिपी अपलोड करना और मैं इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो इसलिए। और आज जो है ना मेरे प्यारे से भाई का रोज़ा था, मेरे भाई का बेटा यासीन कितना छोटा है, अभी वो 5 साल का है और उसने आज रोज़ा रखा था। तो सभी घर जो है ना बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था और गेट टुगेदर आज इफ्तार के लिए हमने यहीं पर मेरे अम्मी अब्बू को दावत करी थी। तो यहाँ पर ये मेनू है सभी इफ्तार का और यहाँ पर ये देखिए ये मैंने अखनी भी निकाल कर रखी हुई थी अलग से बनाकर, और चपाती, ये कुछ बाहर से मंगवाए थे डिशेस। देन उसके बाद ये था पूरा इफ्तार का मेनू। और यहाँ पर रोज़दार बच्चा मेरा बैठा हुआ है, बहुत ही प्यास लग रही थी उसे, अल्हम्दुलिल्लाह उसने रोज़ा बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया। अल्लाह ताला इसे इसी तरह से नेक और तंदुरुस्त रखे हमेशा, आमीन। और ये देखिए उसके अब्बू जी उसे दुआ पढ़ा रहे हैं इफ्तार की, और इफ्तार करा दिया। कितना प्यारा मोमेंट था ये, सभी घर के जो है ना मेंबर्स बस उसी की तरफ देखते जा रहे थे, इतने अच्छे से उसने रोज़ा कंप्लीट किया। इनाया ने भी परसों रखा हुआ था, मैंने वो भी व्लॉग आपसे शेयर किया है, तो उसका देखकर जो है ना इसने भी ज़िद की कि मैं भी रखूँगा दीदी के जैसा, तो रख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से किया रोज़ा कम्प्लीट। और ये देखिए सबसे पहले उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो जूस का ग्लास जो उसने मुँह पर लगाया पूरा फिनिश करके ही नीचे रखा, बहुत ज़्यादा क्यूट। तो उसको हम लोग ने गजरा वगैरह सॉरी हार वगैरह लाए थे और न्यू ड्रेस लाए थे उसके अबू जी ने, और सभी ने एक एक गिफ्ट दिए थे उसको। और स्पेशल उसके लिए मैंने बिरयानी बनाई थी, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है बिरयानी, चॉकलेट्स जो भी उसको पसंद है सभी चीज़ें लाए हुए थे। और ये देखिए उसकी फ़ोटोज़ भी मैंने क्लिक किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छा दिख रहा था मेरा बच्चा। और कैसी लगी आपको ये व्लॉग मुझे ज़रूर बताना, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह से एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।